राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम खोज एक पहलू अनेक। ये बात 16 अक्टूबर सन 1846 की है। अमेरिका के बोस्टन शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल, नाम था मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल, जहां असाधारण भीड़, सैकड़ों डॉक्टर और छात्र ऑपरेशन हॉल में जमा है। दर्शक गैलरी खचाखच भरी है। बड़ी अजीब सी बात लगती है, ऐसा क्या सोच रहे? ये हो सकता है, बहुत संभव है। बिल्कुल संभव है, क्यों नहीं हो सकता? मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है, ये बिल्कुल असंभव है। कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अरे भाई, डॉक्टर मॉर्टन का दावा है। क्या दावा है डॉक्टर मॉर्टन का? है डॉक्टर मॉर्टन ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है कि रोगी को चाहे जितना काटो चीरो वो चूं भी नहीं करेगा। अरे भाई, ये कैसे संभव है कि मरीज को चीरो काटो और उसे बिल्कुल दर्द ना हो, वो चू भी ना करे? हाँ भाई, काटो चीरो और बिल्कुल दर्द ना हो, कैसे हो सकता है? ये संभव हो सकना है? मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। अभी तक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ। यस यस, अगर अब तक इजाद नहीं हुआ तो अब तो हो सकता है ना? ना, मैं कहता हूँ कि नहीं हो सकता। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? आई डोंट एग्री विद यू। कैसे आप, हाउ कैन यू से दैट? ऐसा नहीं हो सकता। नो नो नो, आई डोंट एग्री। ऑपरेशन की कुर्सी पर एक युवा रोगी बैठा हुआ है। उसके जबड़े में एक फोड़ा यानी ट्यूमर है। आज इसी ट्यूमर का ऑपरेशन होना है। डॉक्टर वॉरन करेंगे ये ऑपरेशन। सब कुछ ठीक है। ऑपरेशन करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऑपरेशन करने के सभी औजारों की ट्रॉली रोगी के पास लगाई जा चुकी है। डॉक्टर वॉरन तैयार हैं। डॉक्टर वॉरन को प्रतीक्षा है डॉक्टर मॉर्टन की, क्योंकि उनका दावा है कि उन्होंने एक ऐसी विधि खोज निकाली है जिससे ऑपरेशन के दौरान रोगी को जरा भी दर्द महसूस नहीं होगा। आज वो इसी विधि का पहली बार यहाँ प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर मॉर्टन ऑपरेशन थिएटर में आ गए हैं। उनके हाथ में शीशे का एक ग्लोब है। ग्लोब के एक सिरे पर चौड़ी नली बनी है। डॉक्टर वॉरन उनसे कहते हैं, हेलो डॉक्टर मॉर्टन। हेलो डॉक्टर वॉरन। लीजिए, आपका मरीज तैयार है। ओह, हेलो माय डियर पेशेंट। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, विलियम। हाँ, विलियम, वेरी गुड। तुम बिल्कुल मत घबराना, डरने की कोई बात नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें बिल्कुल पेन नहीं होगा। हाँ, इस नली को अपने मुंह में रख लो और इसी के जरिए सांस लो। हाँ, ठीक है ना? ठीक है सर। या, वेरी गुड। यस यस, वेरी गुड। Thank you.
रोगी ने नली अपने मुंह में रख ली। वो उसी के जरिए सांस लेने लगा। फिर डॉक्टर मॉर्टन ने ग्लोब के ऊपरी भाग में बने छेद पर बेहोशी की दवा से भीगा हुआ स्पंज रख दिया। ये दवा ईथर नाम का रसायन था। बेहोशी की दवा ने तुरंत असर करना शुरू किया। रोगी जैसे जैसे सांस लेता गया, उसके शरीर में, उसकी मांसपेशियों में पल भर के लिए खिंचाव आया। फिर वो अचेत हो गया। अचेत यानी बेहोश। उसके बेहोश होते ही डॉक्टर मॉर्टन ने संकेत किया कि डॉक्टर वॉरेन ऑपरेशन शुरू करें। डॉक्टर वॉरेन, यस, अब आप शुरू कर सकते हैं। यू कैन प्रोसीड नाउ। ओके ओके ओके। डॉक्टर वॉरेन ने ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने ऑपरेशन करने वाले चाकू से रोगी को चीरा लगाया। रोगी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। जहां सभी पहले कौतूहल से ये सब देख रहे थे, वहीं अब सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन साथ ही उत्सुक भी थे ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। डॉक्टर वॉरेन ने चीरा लगाने के बाद त्वचा के दोनों किनारों को ऊपर उठाया। नीचे के ऊतकों के बीच से ट्यूमर को जड़ से अलग कर बाहर निकाल दिया। फिर त्वचा को टांके लगाकर जोड़ दिया। ऑपरेशन पूरा हो गया। ऑपरेशन पूरा हो गया, पर रोगी बेहोशी की हालत में बिल्कुल शांत रहा। न शरीर में कोई हलचल, न दर्द। देखने वाले स्तब्ध, आश्चर्यचकित, सब कौतूहल से रोगी को देखे जा रहे थे। कुछ समय ऐसे ही बीता। थोड़ी देर बाद रोगी की चेतना लौटी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसे पता चला कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया। न दर्द, न कोई तकलीफ, उसे पता ही नहीं चला। यू आर ओके माई डियर, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरा ऑपरेशन हो गया। आप खुश हो ना? कोई पेन तो नहीं हुआ ना? नो। गुड गुड, थैंक्स डॉक्टर मॉर्टन, थैंक्स। अरे बस बस, आप ज्यादा बोलो नहीं, ओके? ओ गुड गुड, कांग्रेचुलेशन। ओ यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर। सोलह अक्टूबर
1846 शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन था। इसके एक साल बाद ही इंग्लैंड में ईथर की जगह क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी बेहोश करने की एक दवा के रूप में होने लगा। इसके बाद तो शल्य चिकित्सा का तौर तरीका ही बदल गया। सचमुच ये एक क्रांतिकारी घटना थी। इससे पहले ऑपरेशन कितने मुश्किल होते थे, रोगी के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी, आज इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन करवाना रोगी के लिए उसके आत्मसाहस और सहन शक्ति का कड़ा इम्तिहान हुआ करता था। रोगी छटपटाता था, दर्द के मारे चीखता चिल्लाता था, पर उसे दो तीन तगड़े तगड़े लोग कसकर पकड़े रहते थे। दर्द सहन न कर पाने पर कुछ रोगी तो ऑपरेशन के दौरान ही दम तोड़ देते थे। वैसे डॉक्टर इस समस्या से छुटकारा पाने के उपाय में लगे हुए थे और ऐसी औषधि और तरीके ढूंढ रहे थे जिससे रोगी को बेहोश कर उसे दर्द से मुक्ति दिलाई जा सके और डॉक्टर भी तसल्ली से ऑपरेशन कर सके। और ये तलाश पूरी हुई डॉक्टर मॉर्टन की इस खोज से। इसके बाद तो इस दिशा में बहुत काम हुआ और इसे शल्य चिकित्सा क्षेत्र में एक नई विधा के रूप में विकसित किया गया और उसे एनेस्थीसिया का नाम दिया गया। एनेस्थीसिया जगत में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। रोगी की चेतना को हरने यानी बेहोश करने वाली कई औषधियां विकसित की गईं। एनेस्थीसिया के क्षेत्र में तो आज इतनी उन्नति हो चुकी है कि अब रोगी को बेहोश करने की जरूरत ही नहीं रही, बल्कि शरीर के जिस हिस्से में ऑपरेशन होना है उसे इंजेक्शन देकर सुन्न कर दिया जाता है। इसे कहते हैं लोकल यानी स्थानीय एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से मिलती जुलती एक और दवा है जिससे आप परिचित हैं और ये है एनल्जीसिया। दांत दर्द के समय इबुप्रोफेन जो आप लेते हैं वो एनल्जीसिया दवा का ही एक उदाहरण है। एनल्जीसिया और एनेस्थीसिया में बस इतना अंतर है कि एनेस्थीसिया में व्यक्ति की सभी चेतनाएं चली जाती हैं, जबकि एनल्जीसिया में सिर्फ दर्द की एक चेतना ही जाती है। इसीलिए इसका प्रचलित नाम दर्द निवारक या पेन किलर है। ये सब एनेस्थीसिया के उस विकसित रूप का ही वरदान है जिसकी शुरुआत डॉक्टर मॉर्टन ने की थी। डॉक्टर मॉर्टन के इस महान योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। खोज एक पहलू अनेक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, शरद तिवारी, के चंदन, कीमती आनंद, राजेश आहूजा और अशोक कुमार शर्मा, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।